अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल नंबर 8 है। इसमें हम रिव्यू टैब को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लें और ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ कर लें, या फिर आप कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लें। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थीम्स हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को चूज़ किया है, क्योंकि रिव्यू टैब में हम ऑलरेडी प्रेजेंट टूल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रिव्यू टैब को ओपन कर लिया। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रिव्यू टैब में स्पेलिंग चेकिंग और सिनोनिम्स वगैरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम कोई भी, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक क्रिएट की, मैंने वर्ड को करेक्ट वर्ड को इनकरेक्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं उस स्पेलिंग से रिलेटेड। या तो मैं इस मिस्टेक को इग्नोर कर सकती हूँ, या फिर इसको चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया। देन हमारे पास रिसर्च बुक्स का ऑप्शन है, रिसर्च फॉर बुक्स। हम कोई भी वर्ड चूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हमें बुक्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। हम इनमें से इन बुक्स को रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। टूल है, इसके लिए हम किसी भी वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास वर्ड टूरिस्ट के लिए थिसॉरस शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वर्ड टूरिस्ट को सेलेक्ट करके थिसॉरस पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे टूरिस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो गए। मैं कोई भी ऑप्शन को अपनी प्रेजेंटेशन में चूज़ कर सकती हूँ। देन हमारे पास ट्रांसलेट और लैंग्वेज के टूल्स हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड प्लेसेस को सिलेक्ट किया, लेकिन उससे पहले मैंने लैंग्वेज को चेंज किया। पहले मैंने लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन से प्रूफिंग लैंग्वेज को चूज़ किया। तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप शो हो गया, इसमें हम प्रूफिंग लैंग्वेज देख सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश और उर्दू ऐड हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगी, उर्दू या इंग्लिश को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन हमने इस सिलेक्टेड वर्ड के लिए लैंग्वेज का ऑप्शन चूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट किया था, तो मेरे पास यहाँ उर्दू मीनिंग आ रहा है इस वर्ड का। मैं इस वर्ड को कॉपी भी कर सकती हूँ, इंसर्ट भी कर सकती हूँ इस वर्ड की जगह, लेकिन मैंने इस वर्ड को कॉपी करके प्लेसेस के आगे ही ब्रैकेट में ऐड कर दिया। देन हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है, हम न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ न्यू कमेंट पे ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ एक साइड पे कमेंट पेन शो हो गई। इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अबाउट आवर टाइटल या टेक्स्ट के बारे में, जैसे हम नोट्स ऐड करते हैं। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके अलावा इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप मज़ीद कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम कमेंट्स ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे प्रीवियस, नेक्स्ट और डिलीट का ऑप्शन। तो हम इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इनसे मूव कर सकते हैं। देन हमारे पास अब शो कमेंट करने का ऑप्शन है, हम कमेंट को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे हमारे पास मकामात लफ्ज़ पे एरर आ रहा था, तो मैंने स्पेलिंग्स चेक करके इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये वर्ड ठीक है। इस पर इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसलिए उर्दू के हमारे पास एरर आ रहा था। देन हमारे पास कंपेयर का टूल है। हम इस फाइल को किसी भी ऑलरेडी सेव्ड फाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम सिंपली उस फाइल को बस चूज़ करेंगे और हमारे पास उस फाइल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंस है, और हम दोनों फाइल्स में स्लाइड्स या डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड इस प्रेजेंटेशन में ऐड कर दी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लाइड ऐड की, उस स्लाइड के साथ मुझे एक साइन शो हो रहा है छोटा सा। इस साइन का मतलब यह है कि मैं इसको फाइल को कंपेयर कर रही हूँ। उसके साथ हम जैसे ही फाइल को उस साइन को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस शो हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं साइट पे, हमारे पास रिवीजन पेन ओपन है और हमारे पास यहाँ उसके लिए कंप्लीट टूल्स मौजूद हैं। तो हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें ऐड एंड डिलीशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। हम इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं,
एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करें या फिर हम इस चेंज को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करें या फिर सिर्फ एक स्लाइड के लिए भी ये ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक स्लाइड पे इस चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लें। इसके अलावा हम इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं या फिर हम रिव्यू पेन को ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी हमारे पास कंपैरिजन के साथ ही कंप्लीट होंगे। उसके बाद हमारे पास एग्ज़िट का ऑप्शन है, एग्ज़िट पे क्लिक करके हम उससे उस फाइल से बाहर निकल आएंगे। देन हमारे पास वन नोट का ऑप्शन है, हम इसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं वन नोट एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। वन नोट एप्लीकेशन भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ही एप्लीकेशन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वन नोट की ऐप शो हो जाएगी। इसमें हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर रिव्यू टैब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।